नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कुकिंग विद शिवांजलि। आज हम DIY करेंगे। दिवाली स्पेशल है ये। दिवाली आ रही है तो सभी के घर में दिए तो ज़रूर जलते हैं, तो वही दिए हम बनाएंगे आज। आपको ये दिए किस कैसे लग रहे हैं? लग रहे हैं ना वैक्स के, जो रेडीमेड हमको मॉल में मिलते हैं। फ्रेग्रेंस के दिए आते हैं ना, मेनबत्ती के, वो इतने सारे महंगे होते हैं, वही लग रहे हैं ना ये। पर रुकिए ज़रा, देखिए इसको। ये मैंने बनाए हैं पानी से और ये फ्रेग्रेंस वाले दिए हैं। जी हाँ, आज हम बनाएंगे फ्रेग्रेंस वाले, वो भी पानी वाले दिए, और इसमें कोई भी वैक्स नहीं है। आप देख सकते हैं पानी से बनाए हैं, और इसका लाइट में रिफ्लेक्शन देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ये जब ये दिए मैंने जलाए तो ये लगभग 12 से 14 घंटे जले जी। बहुत कम तेल में बनते हैं, बहुत कम समय में, और घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उससे ही हम ये दिए बनाएंगे। तो बाहर जो कैंडल्स मिलते हैं बहुत महंगे मिलते हैं, तो उससे तो ये बहुत चीप है। मतलब आप ये फ्री में ही बना सकते हैं, और वो भी 5 से 10 मिनट में। तो दिवाली में बहुत सारा काम होता है, तो ये इतने प्यारे और सस्ते दिए आप घर के चीज़ों से इस्तेमाल करके ही बना सकते हैं, और ये इतने प्यारे बनते, इतने प्यारे लगते हैं, और इसमें हम फ्रेग्रेंस भी डालेंगे। तो ये दिए कैसे बनाना है वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले ये देखिए कितने प्यारे लग रहे। कोई बोल सकता है कि ये पानी से बने हुए हैं, देखिए बहुत प्यारे लग रहे थे, और ये लगभग 12 से 14 घंटे जलते हैं। जी हाँ, 12 से 14 घंटे जलते हैं ये। तो दिए बनाने के लिए मैंने यहाँ एक्स्ट्रा शॉट ग्लास लिए हैं कांच के। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो ले, बड़े वाले नहीं लेने हैं पानी के या जूस के, छोटे वाले शॉट वाले लेने हैं। और ऐसे आपके घर में जो भी शेप, जो भी डिज़ाइन के बाउल है उसका ज़रूर यूज़ करिएगा, उसका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इस तरह से 3 से 4 टाइप के लिए हैं। आपके पास जो अवेलेबल है वो लीजिए। और ये है मेरे पास जाड़ा वाला प्लास्टिक, जो बच्चों के स्कूल में हम फॉइल बनाते हैं, फाइल होते हैं ना उसके ही ये पेपर मैंने लिया है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ढक्कन लिए है ताकि शेप के हिसाब से हम जो कट करेंगे पेपर प्लास्टिक का, उस हिसाब से हम छोटे बड़े कट कर सकते हैं। छोटा ग्लास है तो छोटा। और यहाँ हमने फ्रेग्रेंस के लिए एक ट्रिक आजमाई है, ये है सैंडल इसेंस ऑयल। और ये तेल मैंने लिया है, स्मेललेस तेल लेना है। ये है वाटर कलर, अपने बच्चों के जो होते हैं वही हैं सिंपल वाले, ये 10-20 रुपए में मिलते हैं। और कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लेने हैं जो आपके पास अवेलेबल है, ये दिए की वाती। और जो इसेंस ऑयल होता है वो आपको कहीं भी मिल जाता है आजकल, ऑनलाइन भी मिलेगा या फिर मॉल में भी मिलते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ अवेलेबल होते हैं, तो मुझे सैंडल अच्छा लगता है तो मैंने सैंडल वाला लिया है। आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हैं। और अगर आपको ढक्कन के थ्रू नहीं जाना है, सिंपल वे से करना है, तो सिंपल सा स्क्वायर कट करिए। जी हाँ, इस तरह से स्क्वायर कट करिए। तो मैंने सर्कल और स्क्वायर दोनों बता दिए हैं। सर्कल आप स्केच पेन से ड्राइंग करके भी कट कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। तो इस तरह से मैंने पूरा कट करके लिया है पेपर, और इसको हमने एक सेंटर तक एक कट लगाना है इस तरह से। और ये मैंने बाती ली है, बाती को उसमें लगा देना है। बाती थोड़ी जाड़ी साइज़ की लेनी है, इस तरह से ऊपर की तरफ थोड़ी ज़्यादा रखना बाती, ताकि वो अच्छे से स्ट्रेट रहे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने बाती बना ली है। अब हम लेंगे सब जो भी हमारे पास अवेलेबल है, कांच के गिलास, बाउल वो लीजिए। इस तरह से जो हमारे घर में आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं वो इसमें डाल देने हैं। और यहाँ मैंने स्टोन का भी यूज़ किया है, तो वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। और ये मैंने बड़े ग्लास में थोड़ा बड़ा साइज़ का फ्लावर ऐड किया है, देखो कितना प्यारा ऐसे ही लग रहा है। और कुछ हम प्लेन भी बनाएंगे, अगर आपके पास फ्लावर या कुछ भी नहीं है तो वाटर कलर तो सबके घर में होते हैं, तो वो उस कलर से इस तरह से आप कलरफुल भी बना सकते हैं। सिंपल सा है ये, और इसमें थोड़ा सा ग्लिटर ऐड करेंगे। ग्लिटर तो सबके घर में होते ही हैं, बच्चे होते हैं तो स्कूल में ये सब लगता ही है। तो मैंने यहाँ ग्रीन और रेड यूज़ किया है,
ये भी बहुत प्यारा लगता है। ये कैंडल पूरा जो कलरफुल कैंडल लगते हैं ना मिलते हैं बाहर से, वैसे ही लगता है। और यहाँ हम जितना फ्लावर है उसके ऊपर थोड़ा पानी आना चाहिए उतना हम पानी इसमें डालेंगे। और मैंने वे स्टोन यूज़ किए हैं, आप देख सकते हैं येलो फ्लावर के नीचे मैंने स्टोन डाले हैं, वो बहुत प्यारा लग रहा है। देखो ऐसे कलरफुल स्टोन भी मिलते हैं बाज़ार में, वो भी आप ला के बना सकते हैं। अब जो मैंने ये ऑयल लिया है, एसेंस ऑयल सैंडल वाला है, उसमें हम ऑयल में यूज़ करेंगे। पर ऑयल यहाँ हम स्मेल लेस लेंगे, उसमें कोई भी स्मेल नहीं होना चाहिए। जैसे सरसों का आता है उसमें स्मेल आती है, तो सरसों का नहीं लेना है। शिंगदाना का स्मेल आता है तो वो नहीं लेना, जिसमें कोई ये नहीं होता है स्मेल नहीं होता है वो ऑयल लेना है। और मैंने आप देख सकते हैं बहुत कम, मतलब लगभग आधा से पाउंड सेंटीमीटर इतना ही ऑयल मैंने ऊपर डाला है। देख लीजिए आप, बहुत कम तेल लगता है इसमें, बहुत कम ऑयल लगता है। देखो ये आधा या पाउंड सेंटीमीटर इतना ही ऑयल मैंने डाला है। और इतने ऑयल में ही हम 12 से 14 घंटे के लिए चलते हैं, आराम से चलते हैं। मैंने जला के देखे हैं, मैंने रात को 10 बजे लगाए थे, सुबह 12 से 12:30 तक मेरे दिए जले। तो फिर जो हमने बाती बनाई थी वो ऊपर रखेंगे अच्छे से और उसको हम जला के देखते हैं। देखो इतने प्यारे लगते हैं ये दिए, मुझे इतने पसंद आए ये, और बहुत दिखने में अच्छे लगते हैं। मैंने ये बाहर लगा के देखे हैं, लाइट में ऐसे दिखते हैं, ये कैंडल का लगता है जैसे। ये भी जो रेडीमेड हमारे फ्रेगनेंस वाले मॉल में जो महंगे महंगे कैंडल मिलते हैं सेम उसी तरह से दिख रहे हैं ये। बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो आप भी इतने सस्ते वो भी घर की चीज़ों में से DIY दिए इस दिवाली ज़रूर बनाइए। और बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और चलते भी बहुत देर तक, और इसको आप रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो देखो लाइट मैंने बंद करके इसका रिफ्लेक्शन देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो इतने प्यारे, इतने सस्ते और इतने कम टाइम में आप ये DIY दिए ज़रूर बनाइए, पानी वाले वो भी, और फ्रेगनेंस के साथ बनाइए। तो आपके पास जो भी फ्रेगनेंस अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। बाय बाय, टेक केयर।